नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल क्रिकेट लाइन गुरु में। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 के मुकाबले खेले जा रहे हैं और अब बारी है देखिए वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले एक बड़े मुकाबले की, क्योंकि साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज की टीम ने अभी तक दो दो मैचेस खेल लिए हैं सुपर 8 में और साउथ अफ्रीका की टीम ने दोनों मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज कर 4 पॉइंट्स अपने खाते में जोड़ लिए हैं और सुपर 8 के ग्रुप 2 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त वो टॉप पर काबिज है। तो वहीं वेस्ट इंडीज की टीम पर अगर नजर डालें तो दो मुकाबले खेलते हुए वेस्ट इंडीज ने एक मुकाबला जीता है, तो वहीं एक मुकाबले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और इसी के साथ दो पॉइंट्स यहां पर वेस्ट इंडीज के खाते में जुड़ चुके हैं। पहले आपको बता दें कि वेस्ट इंडीज की टीम ने यूएसए की टीम को करारे शिकस्त देते हुए 55 गेंद रहते ही इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सुपर 8 के अगले मुकाबले की, जो कि वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच 50th मैच खेला जाएगा। बता दें कि ये मुकाबला सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम नॉर्थ साउंड एंटीगा में खेला जाएगा 24 जून यानी कि मंडे के दिन सुबह 6 बजे। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज के हमारे इस मैच प्रीव्यू की शुरुआत करते हैं पिच रिपोर्ट के साथ। तो आपको बता दें कि इस पिच पर T20 वर्ल्ड कप 2024 में टोटल मैचेस 6 खेले गए हैं, जिसमें से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 2 मुकाबले तो वहीं सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 4 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। एवरेज स्कोर यहां पर फर्स्ट इनिंग का रहा है 121 का। लोएस्ट स्कोर यहां पर बनाया है ओमान की टीम ने 47 का, तो वहीं हाईएस्ट स्कोर यहां पर साउथ अफ्रीका की टीम ने दर्ज किया है 194 का। बॉलर्स की परफॉर्मेंस पर अगर नजर डालें तो देखिए यहां पर T20 वर्ल्ड कप 2024 में खेले गए मुकाबलों में 58 विकेट्स अभी तक चटकाए गए हैं, जिसमें से 37 विकेट लिए हैं पेसर्स यानी कि फास्ट बॉलर्स ने, तो वही 21 विकेट यहां पर स्पिनर्स ने लिए हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई पिच रिपोर्ट के बारे में। हेड टू हेड कंपैरिजन की बात करें तो देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 22 मुकाबले वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच में खेले गए हैं, जिसमें से 11 मुकाबले जीते हैं वेस्ट इंडीज की टीम ने, तो वहीं साउथ अफ्रीका की टीम ने भी 11 मैचेस में जीत दर्ज की है। तो वहीं T20 वर्ल्ड कप की अगर बात करें कि आखिर T20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमों का आमना सामना कितनी बार हुआ है, तो 4 बार ये दोनों टीमें आमने सामने आ चुकी हैं और जिसमें से एक मुकाबला मात्र वेस्ट इंडीज की टीम ने जीता है, तो वहीं 3 मुकाबलों में यहां पर साउथ अफ्रीका की टीम ने जीत दर्ज की है। तो देखिए दोस्तों, सुपर 8 का ये आखिरी मैच होगा दोनों ही टीम का, तो इस मुकाबले को जीतना जरूर चाहेंगी वेस्ट इंडीज की टीम भी, साथ ही साउथ अफ्रीका की टीम भी। दोस्तों, लेकिन किसका पलड़ा ज्यादा भारी है, कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतती हुई नजर आएगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल यहां पर बात कर लेते हैं वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11 के बारे में। दोस्तों, कि आखिर यहां किन 11 खिलाड़ियों को जगह मिलेगी, वेल आपको बताना चाहेंगे कि इंग्लैंड की टीम से जो नेट रन रेट है वो वेस्ट इंडीज की टीम का काफी बेहतर हो चुका है, इसलिए वो पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर काबिज है और अगर इस मुकाबले को वेस्ट इंडीज की टीम जीत लेती है तो उन्हें काफी फायदा होता हुआ नजर आएगा। तो देखिए, वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11 में जो खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं उनके नाम है जोनाथन चार्ल्स, शे होप, निकोलस पूरन, रोस्टन चेज, रोमन पावेल, शेरफन रदरफोर्ड, आंद्र रसल, अकील हुसैन, अजारी जोसेफ, गुड़ाकेश मोटी और ओबेड मैकॉय। अब अगर वेस्ट इंडीज के की प्लेयर्स की बात करें यानी कि उन बल्लेबाजों, उन गेंदबाजों की जो कि इस मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, तो आपको बताना चाहेंगे कि पिछला जो मुकाबला था वेस्ट इंडीज की टीम का यूएसए के खिलाफ, वहां पर रोमन पावेल ने, जो कि टीम के कप्तान हैं, उन्होंने शे होप को जगह दी थी अपनी प्लेइंग 11 में ब्रेंडन किंग की जगह पर और शे होप ने यहां पर बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था। दोस्तों, अब ऐसे में इस मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ कौन से बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे, ज्यादातर विकेट चटकाते हुए नजर आएंगे, तो चलिए उनके नाम आपको बताते हैं। जहां पर पहला नाम हमने शामिल किया है निकोलस पूरन का, जिन्होंने 6 मुकाबले खेलते हुए 227 रन स्कोर किए हैं 148.37 के स्ट्राइक रेट से। जोनाथन चार्ल्स ने 5 मुकाबलों में 140 रन बनाए हैं 113.82 के स्ट्राइक रेट से। अगला नाम है शेरफन रदरफोर्ड का, जिन्होंने 5 मुकाबलों में 121 रन बनाए हैं। इनके अलावा देखिए शे होप, जिन्हें यूएसए के खिलाफ प्लेइंग 11 में जगह मिली थी और वो उम्मीदों पर भी खरे उतरे थे रोमन पावेल की, यहां पर उन्होंने यूएसए के खिलाफ 210.26 के स्ट्राइक रेट से 82 रन की नॉट आउट पारी खेली थी और इस मुकाबले में भी शे होप से जो है काफी उम्मीद रहने वाली है टीम को कि वो अच्छी बल्लेबाजी करते हुए ज्यादातर रन स्कोर करते हुए नजर आए। एज अ ऑलराउंडर यहां पर आंद्र रसल का नाम हमने शामिल किया है, जिन्होंने 6 मुकाबले खेलते हुए 9 विकेट चटकाए हैं गेंदबाजी करते हुए, तो वहीं 63 रन भी उन्होंने अपने बल्ले से बनाए हैं। गेंदबाजों में अजारी जोसेफ है, जिन्होंने 6 मुकाबले खेलते हुए 11 विकेट लिए हैं। अकील हुसैन ने 6 मुकाबलों में 9 विकेट, तो वहीं आखिरी नाम है रोस्टन चेज का, जिन्होंने यूएसए के खिलाफ काफी अच्छी गेंदबाजी की थी और 4 विकेट उन्होंने अपने खाते में जोड़े थे। तो ये तो बात हो गई वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11 के बारे में। दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पर साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 के बारे में। तो देखिए, एडन मार्करम किन 11 खिलाड़ियों को मौका देंगे उनके नाम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर शामिल रह सकते हैं क्विंटन डी कॉक, रिजा हेंड्रिक्स, एडन मार्करम, डेविड मिलर, हेनरिक क्लासेन,
ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को येंसन, केशव महाराज, कगिसो रबाडा, एंड्रिक नॉर्किया और ओटनील बाटमैन। तो वही एज अ पोटेंशियल चेंज यहाँ पर हमें तबरेज शामसी हमें नजर आ सकते हैं। साउथ अफ्रीका के की प्लेयर्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए क्विंटन डी कॉक है जिन्होंने 6 मैचेस में 147.24 के स्ट्राइक रेट से 187 रन स्कोर किए हैं। हैंड्रू क्लासन ने 116 रन बनाए हैं 6 मुकाबले खेलते हुए। डेविड मिलर ने देखिए 5 मुकाबले खेलते हुए 144 रन स्कोर किए हैं 107.46 के स्ट्राइक रेट से। गेंदबाजों में यहाँ पर एंड्रिक नॉर्किया है जिन्होंने 6 मुकाबलों में 11 विकेट निकाले हैं। कगिसो रबाडा ने 6 मैचेस खेलते हुए 9 विकेट, केशव महाराज ने 6 मैचेस खेलते हुए 8 विकेट। तो वहीं आखिरी नाम है तबरेज शामसी का, अगर उन्हें यहाँ पर प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिलता है तो वो अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। लास्ट 2 मैचेस की अगर बात करें तो 5 विकेट वो चटकाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको दोनों टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 साथ ही की प्लेयर्स के नाम बता दिए हैं। पिच का क्या हाल रहने वाला है वो भी आपको बता दिया है। फाइनली देखिए बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ कि आखिर कौन सी टीम इस मुकाबले को जीती हुई नजर आ सकती है। तो देखिए हेड टू हेड कंपैरिजन के हिसाब से अगर ओवरऑल हेड टू हेड कंपैरिजन को देखें तो बराबर की टक्कर नजर आ रही है। 11-11 मैचेस दोनों ही टीम ने जीते हैं। लेकिन अगर T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो वेस्ट इंडीज की टीम ने मात्र 1 मुकाबला जीता है और साउथ अफ्रीका की टीम ने 3 मैचेस में जीत दर्ज की है। तो ऐसे में यहाँ पर साउथ अफ्रीका की टीम का पलड़ा ज्यादा भारी नजर आ रहा है। अब ऐसे में क्या वेस्ट इंडीज की टीम साउथ अफ्रीका को मात देने में कामयाब रहेगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। तो वहीं पिच के हिसाब से अगर बात करें तो सेकंड बैटिंग करते हुए टीम यहाँ पर जीत दर्ज कर सकती है, यानी कि टॉस यहाँ पर एक अहम रोल अदा करता हुआ नजर आ सकता है। वेल दोस्तों ओवरऑल अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पर ज्यादा चांसेस जो है साउथ अफ्रीका की टीम की जीत के नजर आ रहे हैं। तो वहीं वेस्ट इंडीज की टीम भी इस मैच को कभी भी पलटने में कामयाब हो सकती है क्योंकि बराबर की टक्कर है। 50-50 यहाँ पर हमें ये मैच देखने को मिलेगा, लेकिन 60% चांसेस जो है साउथ अफ्रीका की जीत के, तो वहीं 40% चांसेस यहाँ पर वेस्ट इंडीज की जीत के नजर आ रहे हैं। आपके हिसाब से कौन सी टीम ये मुकाबला जीतेगी या आप किस टीम को जीतते हुए देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। इसी के साथ इस वीडियो से फिलहाल मैं लेती हूँ विदा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए क्रिकेट लाइन गुरु। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।